I'm Neha Behel, founder of Cube Communication and a media and brand communication expert. I'm a female, but I think I'm a human being first. जी हाँ, लोकमतnews.in के इस कैंपेन स्त्री मानुष को मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ. एक फीमेल होना उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं. बिल्कुल, अगर आप नोट करें तो वुमन वर्ड में इटसेल्फ मैन आता है, दैट मींस एक इंसान. वुमन भी पहले एक इंसान होती है, उसके बाद एक जेंडर आप उसको बोल सकते हैं. इस इंडस्ट्री में, बिकॉज आई एम अ मीडिया एक्सपर्ट, इस इंडस्ट्री में जब मैंने कदम रखा था तो माई फैमिली यूज़ टू से, कैसे करोगी, तुम फीमेल हो, अकेली हो, कैसे करोगे, टीम कैसे बिल्डअप करोगे. बट आई थिंक अगर हम एक बार सोचें और हम ये कहें कि मैं फ़ीमेल नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसमें एक ज़िद है काम करने की और वो कर सकती है, आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है. हम क्यों हमेशा यही कहते हैं दैट माई मॉम, माई वाइफ, माई सिस्टर इज़ अ सुपर वुमन, हम क्यों नहीं कह सकते दैट शी इज़ अ सुपर मैन और शी इज़ अ सुपर ह्यूमन. आई थिंक जिस दिन हमारे अंदर से ये चीज़ आ जाएगी कि हम एक फ़ीमेल को सिर्फ़ एक फ़ीमेल की नज़र से नहीं देखेंगे और हम उसे एज अ एक इंसान की तरफ से देखेंगे, हमारे अंदर से अपने आप इक्वालिटी आ जाएगी. कोई भी इंडस्ट्री हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो फ़ीमेल कर रही है या वो मेल कर रहा है, या वो किसी भी इंडस्ट्री में, इट्स नॉट मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री या फिर फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. आई थिंक विच इज़ बेटर इज इट इज़ अ लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री. लीडर कैन बी अ मेल ऑल्सो, इट कैन बी अ फीमेल ऑल्सो. सो लोकमतnews.in के इस कैंपेन को, स्त्री मानुष को मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू बी देयर. लेट्स सेलिब्रेट स्त्री मानुष ईच एंड एवरी डे. थैंक यू.